दिल्ली के पास गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने कारोबारी और उनके दो बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में परिवार के एक सदस्य के घायल होने की भी खबर है। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। आपको बता दें, हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कुछ पता चल पाया अभी? जी, देखिए, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये लग रहा है कि घात लगाकर बदमाशों ने पहले रेकी करी और उसके बाद जो रियाज और रियाजुद्दीन है उनके घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि करीबन आधा दर्जन जो बदमाश है वो इसमें शामिल हो सकते हैं और उसके बाद इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जो पत्नी है वो घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके लिए जो आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस खंगाल रही, क्योंकि काफी व्यस्ततम और भीड़भाड़ वाला ये इलाका है जहां पर इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पुलिस को ये पूरा अंदेशा है कि रेकी की है और कहीं ना कहीं कोई जानने वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो फ्रेंडली एंट्री करके घर में घुसे हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। हर पहलू पे जो है वो पुलिस की जांच चल रही है। खुद जो कप्तान है वो मौके पे पहुंचे थे मौका मुआयना करने के लिए और इसमें जो फोरेंसिक टीम है वो भी मौके से उसने कई जो सबूत है वो इकट्ठा किए हैं। शुक्रिया आनंद। दिल्ली में कोरोना की हालत